सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो के बाद आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपके दोस्त बदलने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखना ही नहीं बल्कि समझना भी है, आखिर अपने दोस्तों को, अपनी लाइफ को आप कैसे बदलेंगे। स्वागत है आप सभी का आशीष सर के साथ हिंदी ऑनलाइन क्लास में। क्लास 9 वर्कशीट नंबर 91 को आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं, पूरी वीडियो देखेंगे। साथ में वर्कशीट शुरू करने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद क्लास ग्रुप में, रिलेटिव में, ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, कुछ दोस्त आज की वीडियो के बाद आपके नए बनने वाले हैं, तो काफ़ी सारे दोस्त आपसे बिछड़ने भी वाले हैं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम, एक पैसेज है, गद्यांश है, इससे आधारित टॉपिक हम हमारा कुछ ऐसा है जो कि आपको नई दिशा आज देने वाला है। जीवन में सफल वही है जो उपयुक्त समय का उपयुक्त चुनाव करना जानता है। प्यारे बच्चों, टाइम 24 घंटे सभी के पास है लेकिन सभी उसका यूज नहीं कर पाते। सफल कौन होता है? जो सही समय को सही समय पर सही चुनाव करता है, सही जगह सही काम के लिए। गलत चुनाव करते ही हानि नुकसान होना निश्चित हो जाता है। कुछ भी अगर हमने गलत चूज किया लाइफ में तो हमें वहीं से नुकसान होना शुरू हो जाता है। कुछ चुनाव हमारे बस में नहीं है, जैसे माता पिता का। हमारे माता पिता कौन होंगे ये हमारे बस में नहीं है, इसका चुनाव हम भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका चुनाव ऊपर वाला करता है। हमारे जन्म मृत्यु का चुनाव हम नहीं कर सकते, किंतु कुछ हमारे वश में, कैसे, जैसे हमारी सफलता असफलता पर निर्भर है, जैसे संगति का चुनाव। संगति का चुनाव हम कर सकते हैं, फ्रेंड्स दोस्त कैसे चाहिए हमें इसका चुनाव हम कर सकते हैं, बल्कि टोटली हम पर ही डिपेंड करता है। आलस्य का चुनाव कर सकते हैं, हम चाहें तो सो जाएं, हम चाहें तो परिश्रम कर लें, स्ट्रगल करें, हम चाहें तो वर्कशीट को ठीक से देखें, हम चाहें तो क्लास में ध्यान दें, हम चाहें तो आराम करें, हमारे ऊपर डिपेंड है। संगति का चुनाव इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीज़ों को चूज करते हैं, हम चुनते हैं, लेकिन उनमें सबसे इम्पोर्टेंट संगति, सत्संगति है। हमारी कैसी संगति है, हमारे कैसे दोस्त हैं, हमारा कैसा इन्वायरमेंट है, इसी पर डिपेंड करता है हम सफल होंगे या असफल होंगे। मनुष्य का चित्त यानी कि मन बुराइयों की ओर जल्दी आकृष्ट होता है। हमारा मन कुछ ऐसा है, बड़ा चंचल होता है, इसे क्या चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए लाइफ में, खाने को अच्छा, देखने को अच्छा, पहनने को अच्छा, करने को अच्छा, जो हमारा मन करे। लेकिन कई बार जो हमारा मन चाहता है वो सही नहीं होता, इसीलिए हमारा मन बुराइयों की ओर जल्दी भागता है। जिस प्रकार पानी सदा नीचे की ओर भागता है, आपने पानी को देखा होगा वो नीचे ढलान की ओर ही दौड़ेगा, उसी प्रकार हमारा मन भी बुराइयों की ओर शीघ्र भागता है। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल बना, हमें मोबाइल मिला, इंटरनेट मिला, हमारे घर वालों ने कहा आपके लिए ही है ये मोबाइल, इसमें इंटरनेट भी आपको हर महीने महीने मिलेगा अनलिमिटेड। अब यहीं पर हमारा मन क्या चाहेगा, आप चाहो तो वर्कशीट करो, आप चाहो तो उसमें स्टडी करो, आप चाहो तो उसमें और कुछ नई नई बातें सीखो जानो, आप चाहो तो इसी मोबाइल से, इसी इंटरनेट से आप दूसरे टाइप की गंदी वीडियो देखो, गेम खेलो, गंदे काम करो, दोस्तों से चैटिंग करो। वही टाइम है हमारे पास 24 घंटे, वही मोबाइल, वही इंटरनेट है, लेकिन एक अच्छा इंसान क्या करता है, उसे सही यूज करता है, और एक गलत संगति वाला इंसान उसको गलत जगह पर उसका यूज करता है। हम विवेक से काम लेकर के अच्छे और बुरे का चुनाव कर सकते हैं। हमारे पास दिमाग है, हमारे पास बुद्धि है, हम चाहें तो अच्छे का चुनाव करें, हम चाहें तो बुरे का चुनाव करें, और इसी विवेक के आधार पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहें तो लाइफ में बुलंदियों को छू सकते हैं, ऊंचाइयों को छू सकते हैं, और हम चाहें तो 5 साल बाद पछता सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके दोस्त कैसे हैं, संगति कैसी है। एक अच्छी संगति इंसान को सफल बना देता है, वही एक कुसंगति, गलत संगति इंसान को, बच्चे को,
हर किसी को डुबा देती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये है आज की वर्कशीट। उम्मीद करूंगा कि आज के बाद आप अपनी संगत या अपने दोस्तों को जरूर चेक करेंगे कि वो आपके लायक हैं या नहीं और आपके वो सही हैं या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर कुछ सवाल हैं, उनको देखते हैं। पहला सवाल, संगति का चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए संगति का चुनना क्यों है? तो चलिए आंसर दिखाता हूँ। संगति का चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर करती है। एक कुसंगति, गलत संगति हमें डुबो सकती है, डुबो देती है, वहीं दूसरी तरफ एक सत्संगति हमारी नया पार लगा सकती है। कहने का मतलब है कि एक गलत संगति के कारण हम फेल हो सकते हैं और एक अच्छी संगति हमें पास नहीं बल्कि टॉपर बना सकती है। तो संगति सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपनी संगति का चुनाव ध्यान से कीजिए। दूसरा सवाल, मानव मन की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो क्यों का जवाब इम्पोर्टेंट है कि हमारे मन की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर मानव मन की तुलना पानी से की गई है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार पानी सदैव हमेशा नीचे अर्थात ढलान की ओर तेजी से बहती है, उसी प्रकार हमारा मन भी गंदी बातों एवं बुराइयों की ओर तेज दौड़ता है, हमें गंदी चीज बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। वहीं अगर आपको पढ़ाई के लिए बोला जाएगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन कोई अगर आपको कहे कि आप कुछ भी कर लो, आपका मन करे वो करो, तो हमारा मन क्या करता है, बहुत जल्दी कैच करता है और हम गलत चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी भागते हैं, जिस तरह पानी ढलान की तरफ भागता है। तीसरा सवाल, हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं? सही चुनाव करके हमें सफलता मिलेगी कैसे? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। हमें ऊपर वाले ने बुद्धि और ज्ञान दिया है, सभी को बराबर दिया है, अतः हम अपने विवेक से संगति का चुनाव करके अपने अच्छे और बुरे का चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमने दिमाग का यूज़ किया, बुद्धि का यूज़ किया, अपने विवेक का प्रयोग किया और एक अच्छी संगति का चुनाव किया, उसके कारण हम सफल हो गए, क्योंकि संगति हमें अच्छा काम करवाती है। तो सफलता संगति पर निर्भर करती है। जीवन में कौन सफलता प्राप्त करता है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जीवन में वही मनुष्य सफल होता है या हो सकता है या होगा जो सही चुनाव सही समय पर कर पाता है। सही चीज का चुनाव, सही समय पर सही चुनाव ही हमें सफलता एवं बुलंदियों तक पहुंचाता है। लाइफ में वो टाइम आता है जब हमें चूज करना पड़ता है और सही चीज अगर हम चुन लेते हैं सही समय पर, तो हम सफल हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, बुलंदियों को, आसमान को छू लेते हैं। और अगला सवाल है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक यानी कि टाइटल, टाइटल बोले तो पार्ट का नाम। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट में क्या कहा गया है, पार्ट में किस चीज पर फोकस किया गया है, तो आप एक बार इसे फिर से थोड़ा सा इसे देख सकते हैं और इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि किस चीज पर फोकस किया गया है। मैं बताता हूं आपको, कुछ शीर्षक मैंने यहां पर लिखे हैं आपके लिए। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे सत्संगति, अच्छी संगति, संगति का असर, संगति और सफलता। तो प्यारे बच्चों, ये 4-5 मैंने आपके लिए शीर्षक रखे हैं। आप भी गद्यांश को पढ़कर समझ करके क्या लगा आपको, क्या टाइटल हो सकता है, मुझे कमेंट करके बताना है। और कितने बच्चे आज से संगति अपनी अच्छी बनाने वाले हैं, मुझे कमेंट जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। और कोई नई बात जो आपको इस गद्यांश को पढ़ करके लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।